भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय।
श्री शंकर भगवान की जय। सद्गुरु टेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा गीता गौ माता की जय। निशोकमानं गतरागद्वेषम् ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्यम् अध्यात्मलीनं मिनवृत्तकामम् श्रीटेउ रामं शरणं प्रपद्ये। यदा हि देशे अवनं प्रकोपात् सिन्धु समीपे वत् धर्महानिम् जनांश सर्वान् व्यथितान् विलक्षये। श्रीटेउ रामेण नृतोऽवतार सर्वानंद प्रदातारम् सर्वानंद विकासकम् सर्वानंदावतारम् च श्री सर्वानंदम् नमाम्यहम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सोनक भीष्म दालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम्। अन्यासहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम।
हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे 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 राम सीता राम 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 सीता राम 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 तुलसियावर रामचंद्र भगवान की। पकानी सीख माखन की विरह की आग में जलना विरह की आग में जलना पकानी सीख माखन की विरह की आग में जलना विरह की आग में जलना पकानी सीख माखन की विरह की आग में जलना विरह की आग में जलना पकानी सीख माखन की विरह की आग में जलना विरह की आग में जलना फकीरी है कठिन बरनी खंडे की धार पर चलना फकीरी है कठिन करनी खंडे की धार पर चलना फकीरी है कठिन करनी खंडे की धार पर चलना फकीरी है कठिन करनी खंडे की धार पर चलना स्वर्ग नो भोग दे सारे तीनों की आस है तजनी तीनों की आस है तजनी स्वर्ग नो भोग दे सारे आस है तजनी तीनों की आश है तजनी स्वर्ग नो भोग दे सारे तीनों की आश है तजनी तीनों की आश है तजनी स्वर्ग नो भोग दे सारे तीनों की तजनी आश है परम वैर
वैराग्य को धारे हटानी काम की कलना, परम वैराग्य को धारे परम वैराग्य को धारे हटानी काम की कलना, परम वैराग्य को धारे कलना पपानी सीख माखन की विरह की आग में जलना, विरह की आग में जलना पपानी सीख माखन की विरह की आग में जलना, विरह की आग में जलना। फकीरी है कठिन करनी खंडे की धार पर चलना, फकीरी करनी खंडे धार पर चलना, फकीरी है कठिन करनी खंडे की धार पर चलना, फकीरी है कठिन करनी खंडे की धार पर चलना। परम आदरणीय परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए भगवत प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलिए सतनाम साखी, सतनाम साखी। गुरु महाराज जी अपनी अमृतवाणी अमरापुर वाणी में भजन के माध्यम से बता रहे हैं, फकीरी है कठिन करनी खंडे की धार पर चलना, पकानी सीख माखन की विरह की आग में जलना। कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बहुत दुर्गम है। किस प्रकार? जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना हो। क्योंकि दिखने में प्राय यह आता है कि संसार को छोड़ना सरल है, लोग ऐसे विचार करते हैं कि भाई संसार को छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति करना सरल काम है, लेकिन नहीं, परमात्मा की प्राप्ति करना अत्यंत कठिन कार्य है। स्वर्ग लो भोग जे सारे तिनों की आस है तजनी, पृथ्वी के भोग नहीं। साधारणतया मनुष्य पृथ्वी के भोग भी छोड़ नहीं पाता, संसार के विषय विकारों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके सुख में भी विषयी जीव इतना फंसा रहता है कि कितने ही दुख प्राप्त होते रहे लेकिन उनको छोड़ना नहीं चाहता। संसार के जितने भी सुख हैं उनका परिणाम क्या है? दुख है। भोगे रोग भयम, यह भी लिखा गया वैराग्य शतक में, और भगवान ने भी गीता में कहा
ये ही संस्पर्शा भोगा भोगा दुख योनय एवते। देह के संस्पर्श से प्राप्त होने वाले जितने भी भोग हैं वो दुख देने वाले हैं। लेकिन मनुष्य इनको नहीं छोड़ पाता और परमात्मा के प्राप्ति का मार्ग कैसा है? स्वर्ग लो भोग जे सारे तिनों की आस है तजनी। जो परमात्मा का भजन करेगा उसको उन विषयों की, स्वर्ग तक के विषयों की कामना छोड़नी पड़ेगी, उनकी आशा छोड़नी पड़ेगी। तो जो इस परमार्थ के मार्ग पर चले, क्या वो भोजन नहीं करेगा, कपड़े नहीं पहनेगा? भोजन करना, कपड़े पहनना, ये शरीर का धर्म है। लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा, स्वर्ग लो भोग जे सारे तिनों की आस है तजनी। किसी भी प्रकार की आशा कामना मन में न रहे, परमात्मा की इच्छा से जो प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहे। भगवान ने जहां पर माता शबरी को भक्ति का उपदेश दिया, वहां पर लिखा, वहां पर कहा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देख ही परदोष। जो भी प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहे। संसार के पदार्थों की आवश्यकता मनुष्य को रहती है, लेकिन कामना करना वह परमार्थ के पथ में बाधक है। किसी भी प्रकार की संसारी वस्तुओं की कामना नहीं करें। स्वर्ग लो भोग जेता सारे तिनों की आस है तजनी। परम वैराग्य को धारे हटानी काम की कलना। उस परम वैराग्य को धारण करके किसी भी प्रकार के काम कामना मन में न रहे। तो महापुरुषों का जीवन भी इसी प्रकार होता है। उनके मन में किसी की प्रकार की कामना नहीं रहती, इसी के कारण उनके जीवन में किसी से भी राग द्वेष मोह नहीं रह पाता। और जब कामना रहित मन हो जाता है, कामना रहित जीवन हो जाता है, तो वहां पर परमात्मा दूर नहीं है। श्री रामचरितमानस में भगवान राम वनवास के समय में महर्षि वाल्मीकि से पूछते हैं कि भाई मुझे यहां रहने के लिए कोई स्थान बताइए। तो वहां पर महर्षि वाल्मीकि ने अनेक बातें कही, उसमें एक बात यह भी कही, जाही न चाही या कबहू कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निजगे। जाही न चाही या कबहू कछु, जिसको कभी भी भूत भविष्य वर्तमान में कुछ भी कामना नहीं है। कई लोग संसार में कष्ट उठाते हैं, भगवान का भजन करते हैं तो वो भोगों की कामना से करते हैं, तो उनको भविष्य में चाहिए। तो इसलिए कहा, जाही न चाहिए कबहू कछु और तुम सन सहज सने। हे प्रभु, जिसको कुछ कभी भी नहीं चाहिए और आपसे सहज स्नेह बना रहता है, तो बसहू निरंतर तासु उर सोरा उर निजगे। आप निरंतर उनके हृदय में निवास कीजिए, वह आपका ही निवास स्थान, आपका स्वयं का घर है।
तो यही बात गुरु महाराज जी ने कही, परम वैराग्य को धारे हटानी काम की कलना। महापुरुषों का जीवन इसी प्रकार का होता है, वे किसी प्रकार की कामना नहीं रखते और संसार की इच्छा न होने के कारण उनके जीवन में न राग रहता है न द्वेष रहता है। और राग द्वेष यही सबसे बड़ा बंधन है। कहीं पर राग और कहीं पर द्वेष, तो यही बंधन का कारण है, यही आवागमन का कारण है। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। जब तक जीव के राग द्वेष निवृत्त नहीं होंगे तब तक संसार में आना जाना बना रहेगा, और जब राग द्वेष निवृत्त हो गए, किसी प्रकार की कामना नहीं रही, तो फिर परमात्मा के लिए ऐसे निर्मल अंतःकरण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए फिर उसको भटकना नहीं पड़ेगा। कबीर आमन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो उस साधक की स्थिति ऐसी हो जाती है कि परमात्मा स्वयं उसके हृदय में आकर निवास करते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति का साधन वो हमारे जीवन के किस प्रकार हमको जागृति रखनी है, किस प्रकार जीना है, वही महापुरुषों का जीवन महापुरुषों की वाणियां सिखाती है। सद्गुरु महाराज जी ने अपने जीवन के द्वारा यही उपदेश दिया कि भाई संसार का कोई पदार्थ प्राप्त हो तो उसमें अति प्रसन्न नहीं होना चाहिए, और अगर संसार का के पदार्थों का नाश हो जाए, वो चले जाएं, तो दुख नहीं करना चाहिए। आए हर्ष न उपजे जाए शोक न होए, ऐसी रहनी जो रहे ग्रह बन जोगी सोए। प्राप्ति में, किसी पदार्थ की प्राप्ति में हर्ष न हो, जाए शोक न हो और जाने में दुख न हो, तो ऐसी रहनी जो रहे ग्रह बन जोगी सोए। तो जो ऐसी रहनी रहता है वो चाहे संसार में रहे चाहे जंगल में रहे, वह योगी ही है। तो गुरु महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में उपदेश किया कि फकीरी है कठिन करनी, खंडे की धार पर चलना, पकानी सीख माखन की, विरह की आग में जलना। तो संसार में रहते हुए या संसार से अलग रहकर, दोनों प्रकार से संसार का त्याग करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि बाहर से पदार्थों का त्याग होने के बाद भी वास्तविक आंतरिक त्याग नहीं हो पाता। जीव का स्वभाव है, जन्म जन्म से अनेक भोगों को भोगता आया है, उस जन्मांतरीय स्वभाव के कारण जीव विषयों की कामना करता रहता है, छोड़कर भी कामना करता है, लेकिन महापुरुष उस बात को समझकर, उस उपदेश को ग्रहण कर, जो सार है उस तत्व को समझकर, संसार की कामना त्याग करके संसार से निर्लिप्त होकर विचरण करते हैं। तो हम भी महापुरुषों के जीवन से शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमारा भी लोक और परलोक सुखी होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की।
सतनाम साखी हेक सतनाम साखी बार सतनाम साखी ते सतनाम साखी चार सतनाम साखी पंच सतनाम साखी छ सतनाम साखी अठ सतनाम साखी नव सतनाम साखी दस साखी ग्यारह सतनाम साखी बारह सतनाम साखी तेरह सतनाम साखी चौदह सतनाम साखी सत्रह सतनाम साखी सत्रह सतनाम साखी अरणा सतनाम सतनाम साखी कवित सतनाम साखी बारी सतनाम साखी चौबी सतनाम साखी पंद्रवी सतनाम साखी छवी सतनाम साखी सत्तावी सतनाम साखी अठावी सतनाम साखी उनतीस सतनाम साखी सतनाम साखी इकतीस सतनाम साखी बत्तीस सतनाम साखी तैंतीस सतनाम साखी चौंतीस सतनाम साखी छत्तीस सतनाम साखी सत्तीस सतनाम साखी अठतीस सतनाम साखी उनतालीस सतनाम साखी चालीस सतनाम साखी इकतालीस सतनाम साखी बैतालीस सतनाम साखी सतनाम साखी चौतालीस सतनाम साखी तालीस सतनाम साखी सैंतालीस सतनाम साखी सत्तालीस सतनाम साखी अठतालीस सतनाम साखी उनचास सतनाम साखी पचास सतनाम साखी इकवंजा सतनाम साखी बावन सतनाम साखी तिरवंजा सतनाम साखी चौवंजा सतनाम साखी पचवंजा सतनाम साखी सतनाम साखी सतवंजा सतनाम साखी अठवंजा सतनाम साखी उनहत्तर सतनाम साखी सठ सतनाम साखी इकहत्तर सतनाम साखी बहत्तर सतनाम साखी तिहत्तर सतनाम साखी चौहत्तर सतनाम साखी पचहत्तर सतनाम साखी साठ सतनाम साखी सतहत्तर सतनाम साखी अठहत्तर सतनाम साखी उनहत्तर सतनाम साखी सत्तर सतनाम साखी इकहत्तर सतनाम साखी बहत्तर सतनाम साखी तिहत्तर सतनाम साखी चौहत्तर सतनाम साखी पचहत्तर सतनाम साखी सत्तर सतनाम साखी सतहत्तर सत्तर सतनाम साखी उनासी सतनाम साखी अस्सी सतनाम साखी बासी सतनाम साखी बयासी सतनाम साखी चौरासी सतनाम साखी पचासी सतनाम साखी सतासी सतनाम साखी सतासी सतनाम साखी अठासी सतनाम साखी उनानवे सतनाम साखी नब्बे सतनाम साखी इक्यानवे सतनाम साखी बानवे सतनाम साखी बयानवे सतनाम साखी चौरानवे सतनाम साखी पचानवे सतनाम साखी सत्तानवे सतनाम साखी अठानवे सतनाम साखी नवानवे सतनाम साखी सौ सतनाम साखी एक सतनाम साखी बार सतनाम साखी ते सतनाम साखी चार सतनाम साखी पंच सतनाम साखी छ सतनाम साखी सत सतनाम साखी अठ गुरुदेव भगवान की जय। बोल गुरुदेव भगवान की जय। रघुपत राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपत राघव राजा राम राम जय अभिनंदन जय घन श्याम कृष्ण मुरारी राधे श्याम जय अभिनंदन जय घन श्याम कृष्ण मुरारी राधे श्याम अंतर्यामी तेरा नाम सबको सुमति दे सुखदान अंतर्यामी तेरा नाम सबको सुम अमरापुर के सुंदर श्याम सतगुरु स्वामी के अमरापुर के सुंदर श्याम सतगुरु स्वामी के ज्ञान गुरु गोविंद मेरे सत
सतगुरु सर्वानंद हरे, ज्ञान गुरु गोविंद हरे, सतगुरु सर्वानंद हरे। सर्वार जो सुमरे सोत पार, साथी सुमरे सोत पार, साखीश वो हम सुशुभ, साखीश वो हम जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे, पिता जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट साध जनों के अवगुण में दूर करे, जय जगदीश हरे, जो जावे बल पावे दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जगदीश पिता तुम मेरे शरण गहू किसकी, शरण गहू में किसकी, तुम मेरे और न दूजा, प्रभु मेरे और न दूजा, आश करूं मैं जिसकी, जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, रक्षा करता, मैं मूरख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्राणपति किस विर में लाऊं गया मैं, किस विर में लाऊं गया मैं, तुमको मैं तुमती, जय जगदीश नव दुर्ग मेरे रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे, जय जगदीश हरे, जय परमिटा हरो देवा, भक्त हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, अंतन हरि सेवा, जय जगदीश हरे, पार ब्रह्म की आरती जो कोई न लगावे, जो कोई न लगावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे, जगन्नाथ हरे, भक्त जनों के संकट साधु जनों के अवगुण सिर में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय गुरुते मोरा, स्वामी जय गुरुते मोरा, मेरा गुरुते मोरा, पर उपकारी जगत उदारी, पर उपकारी जगत उदारी, तुम हो पूर्ण का, जय गुरुते मोरा, जब जब प्रेम नन जरित कारण तुमको पुकारा, आपको पुकारा, तब तब गुरु अवतार धरे, तुम तब तब गुरु अवतार धरे, सब सब को निस्तारा, जय गुरुते मोरा, प्रेम प्रकाशी मंडलाचार्य मंत्र साक्षी सतना, मंत्र साक्षी सतना, धर्म सनातन के प्रचारक, धर्म सनातन के प्रचारक, ईशन गुण अभिरा, जय गुरुते मोरा, देश देश में मंडली लेकर पावन दे उपदे, पावन दे
उपदेश आत्म रूप लगाया सबको आत्म दर्श दिखाया सबको हरिया ताप तले पूरण अचल समाधि तेरी सिद्ध आसन ब्राजे रूप मनोहर सुंदर लोचन रूप मनोहर सुंदर लोचन हे कतमन दाजे जय गुरु तेरा आत्म सत वचन के पूरे योगी इंद्र यति स्वामी इंद्र यति परम धारी नीरज धारी परम धारी नीरज धारी परमागमती जय गुरु तेरा धन धन माता पिता कुल तेरा धन तव साध सुजान स्वामी धन तव सत्य सुजान देश जहाँ तुम जन्मिया वह देश जहाँ तुम जन्मिया धन तव शुभ स्थान जय गुरु तेरा सुर नर मुनि जन हरि जन गुनि जन गावन गुन तुमरे स्वामी गावन गुन तुमरे अंत न पाए सके नर कोई मेघ न पाए सके नर कोई तुम महिमा पर परे जो जन तुम्हारी आरती गावे पावे सो मुक्ति स्वामी संगत को हरदम दीजे जय गुरु तेरा स्वामी जय गुरु तेरा गौरव गारी जग गौरारी पूर्ण का जय गुरु सर्वानंद स्वामी जय गुरु सर्वानंद करम करम का दे उपदेशा आते यम के कंदर तुम हो दाता दीन दयालु सबके हितकारी इष्ट शारदा निर्मल गावे धारी तन पर छोला के रंग का सिल्क जटा धारी कमलों में लाठी सोरे मोहे नर नारी अपने गुरु के निज वचनों को कर कर पहुंचाया भूले भटके दीन जनों को सद मार्ग लाया कदम उधारण कष्ट निवारण भगतन भयहारी तारण पार उतारण तारण देहदारी विश्व देशम वर्मण करके भक्ति फैलाई तो हम शब्द का मंत्र देख ज्योति दिखलाई अजर अमर और अज अवनाशी घट घट के ज्ञाता कण में प्रभु सर्व्यापक पूर्ण गुरुदाता परम उदारी परोपकारी अमरापुरवासी अमरापुरवासी तुम्हारी
राम जी के कृपा पात्र तुम हो भक्ति भंडार, भक्त बन गुरु भक्ति का, पूरण गुरु की पूरी आरती जो कोई कर गावे, राव वृंदाव मिटा कर, पूरण पद पावे, जय गुरु जरवानंद स्वामी, जय गुरु जरवानंद सनातन धर्म की, श्री राम कृष्ण भगवान, श्री नारायण भगवान, शंकर भगवान की, सद्गुरु देवराज महाराज की, सद्गुरु सर्वानंद महाराज की, सद्गुरु श्यामी प्रकाश महाराज की, सद्गुरु हरदास राम महाराज, गुरुदेव भगवान प्रकाश मंडल की, अमरापुर दरबार की, भारत मंडल की, धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का धर्म का हर हर रंगे हर राम सवई चौधरी। Thank you.
Thank you.
वृंदावन के पुंजन में जग को नाच मचाए, वृंदावन की पुंजन में जग को नाच मचाए, वो सबको नाच मचाए, वो सबको नाच मचाए। आगे वो बिंदा सुंदर में हमका प्यारा नाम है, लागे वो बिंदा मन बदले हर का प्यारा नाम है, हे नंदन नंदना हे राधा माधव हे नंदन।
Thank you.
सुखदेव भगवान की जय। राज राजे जपा करो कृष्ण राम रथ पिया करो Thank you.
Oh, God.
Thank you.